हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में हमने व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा की थी कि भाई व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण का वह सिद्धांत था जो कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से एक नए स्वरूप में रचना चाहता था। अर्थात वो ये मानता था कि जैसे जो प्राकृतिक विज्ञान है और उनमें जिस प्रकार से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें तकनीक और जो अन्य जो प्रविधियां हैं उनका एक बड़े पैमाने पे हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो व्यवहारवाद के जन्म के साथ ही उसको आलोचना का शिकार होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो व्यवहारवाद था उसका सारा फोकस केवल सिद्धांत निर्माण, और सिद्धांत निर्माण में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो तकनीकें हैं, उन पर सारा जोर था। केवल उनका काम ये था कि किसी भी प्रकार से शोध का निर्माण हमें करना चाहिए। उनका इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं था कि जो शोध का निर्माण वो कर रहे हैं, सिद्धांतों का निर्माण वो कर रहे हैं, वो प्रासंगिक हो और सामाजिक परिवर्तन उसके अंतर्गत समाहित हो, इस बात पे उनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं था। और यहीं से उन जो व्यवहारवाद जो सिद्धांत है वो आलोचना झेलता चला गया। और जो व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक थे डेविड ईस्टन, वो ही इसके सबसे बड़े आलोचक बनकर उभरे। और उन्होंने व्यवहारवाद के एक सुधार रूप में, या आलोचकों ने तो ये माना कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया आंदोलन विकसित हुआ जिसे उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। लेकिन सही मायने में यह व्यवहारवाद की जो भी सीमाएं थीं, अर्थात जो भी कमियां थीं या जो भी आलोचनाएं थीं, उनको हटाने के क्रम में विकसित हुआ था। और जिसके केंद्र में या जिसका जो परिरक्षण का जो केंद्र था वो थे तृतीय विश्व के देश, क्योंकि तृतीय विश्व के देश उन सभी समस्याओं से जूझ रहे थे जिससे कि वहाँ एक सामाजिक परिवर्तन की महती आवश्यकता थी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर व्यवहारवाद है उसके अंतर्गत इस प्रकार से कुछ मान्यताओं का विकास किया गया जिससे कि वहाँ सिद्धांतों का निर्माण करके और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जा सके। तो इस प्रकार 1969 में उत्तर व्यवहारवाद नामक एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसने एक नया सूत्र दिया, सार्थकता का विश्वास। और इसमें इस बार परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों का समावेश कर समस्या अभिमुखी इसको बनाया गया। अर्थात जो भी शोध का वो निर्माण कर रहे हैं वो प्रासंगिक और कार्योन्मुख होना चाहिए। अर्थात ऐसा शोध जिसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन किया जा सके और समाज में एक नई लहर पैदा की जा सके जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका सही समय पर उचित निष्पादन के माध्यम से उनका हल ढूंढा जा सके। तो इसके मूल जो प्रतिपादक हैं डेविड ईस्टन ही हैं, और उन्होंने अपने एक नए प्रमुख नारे के साथ क्रीडो एंड रिलीवेंस, अर्थात क्रियानिष्ठता और जो प्रासंगिकता है उसके उनको समाहित करते हुए उत्तर व्यवहारवाद को विकसित किया। और उन्होंने इसके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं रखी वो निम्न प्रकार से थी कि पहली कि तकनीक की बजाय सार पर बल। जहाँ आपको ध्यान हो तो भाई व्यवहारवाद में केवल तकनीकों के ऊपर ही सबसे बड़ा फोकस रहा था, तो इन्होंने बोला कि पहले हमें सार को पहले लाना चाहिए, तकनीक को बाद में, क्योंकि तार्किक रूप से सार है वो पहले आता है और तकनीक बाद में, जबकि व्यवहारवादियों ने इसका उल्टा किया था। और ये इसके माध्यम से ये समझना चाह रहे थे या समझाना चाह रहे थे कि जो भी सामाजिक राजनीतिक जो समस्याएँ हैं उनके अध्ययन के लिए सबसे पहले सार तत्व पर बल दिया जाना चाहिए, कि हम जो भी सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं उसका प्रमुख सार क्या है, कि किस प्रकार से उन समस्याओं का हल हो सके। ये नहीं कि आप केवल तकनीकें बता दें और उसका वाकई में उसका हल किस प्रकार से होगा उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करें। तो इस दृष्टि से इन्होंने इसकी पहली जो विशेषता बताई वो थी तकनीक की बजाय सार पर बल, दूसरा सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल। जहाँ जो व्यवहारवादी थे वो एक मूल्य निरपेक्ष सिद्धांत का निर्माण करने पर बल देते थे
और जो विषय है राजनीति विज्ञान उसको भी मूल्य निरपेक्ष वो बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ इसके विपरीत इन्होंने ये माना कि हमें मूल्यों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि सामाजिक परिवर्तन और एवं विकास के लिए मूल्यों की महती आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल देना हमें चाहिए, कि हमें केवल ये नहीं कि समस्याओं को ढूंढना और केवल सिद्धांतों का निर्माण करना, लेकिन उन सिद्धांतों के माध्यम से वो सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होगा, इन सब बातों पे हमें फोकस रखना चाहिए। अगली उन्होंने बताया कि सामाजिक और जो राजनीतिक वास्तविकता हैं उन पर बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शोध का जो पूर्ण विकास है वो इस तथ्य में निहित है कि जो समकालीन जो विश्व है, यानी 1970 का जो दशक था, शीत युद्ध की लहर उस समय चल रही थी और समूचा जो विश्व वैश्विक परिदृश्य है वो ढेर सारी समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे गरीबी, प्रदूषण, जो शस्त्र हैं उनकी होड़, तो उन सब को किस प्रकार से उनका हल ढूंढा जाए, इन बातों को लेकर सिद्धांत निर्माण होना चाहिए। केवल ये नहीं कि उनकी हम लिस्टिंग का कार्य करें और उनके लिए केवल तकनीकों की लिस्टिंग का कार्य हम करें, लेकिन वाकई में हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो वर्तमान में जो समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं उनको हम किस प्रकार से हटा सकें, या जो सामाजिक जो परिदृश्य है या वैश्विक जो परिदृश्य है उनको इन समस्याओं से निजात दिला सकें। अगली विशेषताओं में उन्होंने, जैसे पहले भी हमने बताया और अब दोबारा से उन्होंने अलग से भी बताई कि मूल्यों पर वापस लौटना चाहिए, मूल्यों पर बल। क्यों? क्योंकि जो भी सामाजिक विज्ञान है उसका मात्र उद्देश्य होता है मानव कल्याण या जन कल्याण करना, और मानव समाज के केवल उसी ज्ञान का महत्व माना जाता है जिसमें मूल्य सापेक्ष हो, यानी मूल्य समाहित हो, वही ज्ञान वाकई रूप में मानव कल्याण कर सकता है। अगला इन्होंने बताया बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल, कि जिस प्रकार से बुद्धिजीवी केवल ये नहीं कि केवल आप एक कमरे में बैठ के शोध या सिद्धांतों का निर्माण करें, उनकी जो भूमिका है वो केवल इस यहाँ तक सीमित नहीं है, उनकी महती भूमिका इस बात में नहीं है कि वो अपने द्वारा जो भी शोध या सिद्धांत या जो विकास के कार्य करें उनको उस कमरे से बाहर निकाल कर समाज में अप्लाई करें और समाज में जो भी समस्याएं हैं या वास्तविकता है अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से वहाँ परिवर्तन का या विकास का कार्य वो करें। इसलिए बुद्धिजीवियों की भूमिका इस बात को लेकर बड़ी ही बढ़ जाती है। यदि हम इसमें उदाहरण लगें तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जो भारत रत्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यदि वो होते कि भाई डेविड ईस्टर्न की तरह की जैसे व्यवहारवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया और उसको समाज में लेकिन उनको ही अप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा समय अपना सारा ज्ञान इस विकास की होड़ में लगाया कि भारत को हमें तकनीकी दृष्टि से आगे लेकर जाना है, तो इस दृष्टि से उन्होंने अपने एक बुद्धिजीवी के रूप में अपनी भूमिका को बड़ी प्रमुखता से लिया और उसके लिए हमारे देश को फायदा भी हुआ। अगला व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल, कि कोई भी जो व्यवसाय है उनको इस प्रकार से अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि जिससे कि वो केवल अपना व्यक्तिगत हित न सोचकर एक सामान्य हित की बात भी वो करते रहें और जिससे कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास हो सके। लास्ट इसमें जो प्रमुख विशेषता उन्होंने बताई वो कर्म निष्ठता और सहभागिता पर बल, अर्थात जो संस्थाएं हैं और जो संघ है या जो व्यवस्थाओं से जुड़े जो संगठन हैं वो समाज के नाम पर अधिक सक्रियता उनको दिखानी चाहिए, जिससे कि वो उनके द्वारा जो भी जो कार्य हों वो प्रासंगिक होने चाहिए और जो लोगों को अधिक सहभागिता के साथ अपने साथ जोड़ सके और जिससे कि अधिक रूप में सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं से निजात दिलाए वाले हो वो सके। तो इस प्रकार से कुल ऐसी 7 प्रमुख विशेषताएं डेविड ईस्टर्न ने जिस प्रकार से व्यवहारवाद में 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई, उसी प्रकार से इन विशेषताओं के माध्यम से उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को एक नए रूप में परिभाषित उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से जो उत्तर व्यवहारवाद है एक समन्वयवादी आंदोलन था
जो कि केवल ये नहीं कि व्यवहारवाद की प्रतिज्ञा स्वरूप अस्तित्व में आया, बल्कि उसने एक समन्वय का रास्ता अपनाते हुए व्यवहारवाद से तथ्य और निकाले गए जो मूल उनको वापस से तथ्यों के साथ समाहित कर एक नए दृष्टिकोण पर उन्होंने के निर्माण में उन्होंने बल देना शुरू किया। इसलिए इसमें ये जो आंदोलन है ये राजनीति विज्ञान को पुनः मानकीय विज्ञान बनाने पर बल देता है, जबकि जो व्यवहारवाद था वो केवल इसको आधुनिक विज्ञान बनाने पर बल देता है। तो इसी दृष्टि से जो जॉन रॉल्स हैं, बड़े न्यायवादी विचारक हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखा भी है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल देता है, और इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद ने वापस से काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। तो उत्तर व्यवहारवाद वो सिद्धांत है डेविड ईस्टन का, जिसमें वो अपने पूर्व में की हुई जो गलतियां थी उनको केवल सिद्धांत निर्माण तक जो सीमित रखती थी वो उनको और अधिक विकसित कर उन सिद्धांत निर्माण को क्रियानिष्ठ और प्रासंगिक बनाते हुए एक नए रूप में एक नए दृष्टिकोण का निर्माण के लिए प्रयासरत रहते हैं, और वो दृष्टिकोण है या सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।